भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की खातिर राजनीति करके शहीदों का अपमान कर रही है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की जनता, सेना के जवानों और उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। शाह ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के आतंकी हमले से निपटने के लिए बातचीत के सुझाव को आपत्तिजनक करार दिया। प्रेस वार्ता में शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार चुनाव के समय तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। सेना के जवानों और उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, यह बात अमित शाह ने कही। एयर स्ट्राइक पर उठाए गए सवाल गलत हैं, यह बात भी एयर स्ट्राइक में कही गई, ये बात भी अमित शाह ने कही है। कांग्रेस वोट बैंक की करती है राजनीति। एयर स्ट्राइक पर उठाए गए सवाल हैं वो भी गलत हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए, ये बात अमित शाह ने कही है, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। शहीदों का अपमान सैम पित्रोदा ने किया है। सैम पित्रोदा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंताओं को जन्म देने वाला है। उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में चार बातें बताई। एक, ये जो पुलवामा पर निंदनीय हमला हुआ और हमारे 40 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए, उसको एक रूटीन घटना बताया। दूसरा, कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार का भी बयान दिया। तीसरा, 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता।